शुरू हो चुका है 2019 का महासंग्राम यानी कि कर्नाटका विधानसभा चुनाव का घमासान। क्योंकि 2018 ही तय करेगा कि 2019 में देश पर राज कौन करेगा। और आप सभी के मन में से भर के चलने की तमाम को याद करना चाहता हूँ। यही कांग्रेस पार्टी है जिसने बाबा साहब अम्बेडकर को संसद में पहुंचने के रोकने का साथ अगर किसी ने दिया था तो ये कांग्रेस पार्टी। कर्नाटक में देव दर्शन के बाद क्या बीजेपी और कांग्रेस वोटों के खातिर कर रही है दलित दर्शन? क्या कहता है कर्नाटक के 30 जिलों की 224 सीटों का सियासी इतिहास? कर्नाटका के वोटर तय करेंगे 2019 में किसका होगा राजतिलक। बीजेपी का जो धर्म है वो सिर्फ सत्ता को छीनने के लिए है। हम लड़ते हैं, हम खड़े होते हैं, जनता के लिए खड़े होते हैं। कांग्रेस मुक्त कर्नाटक का सपना सच होने में अब बहुत समय नहीं बचा है। न्यूज पहुंच चुका है कर्नाटका की धरती पर कवर करने के लिए वो चुनाव जो तय करेंगे सीधे तौर पर कि 2019 की धार क्या होने वाली है। 2019 का राज तिलक कर्नाटका की जनता ही तय करेगी और इसीलिए जी न्यूज पहुंच चुका है सबसे पहले बेंगलुरु और यहां से ताल ठोक के कार्यक्रम आज आपके सामने पेश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ यहां से भी जुड़ेंगे और वहां हमारे साथ स्टूडियो से भी जुड़ने वाले हैं यानी दिल्ली से भी हमारे साथ गेस्ट जुड़ने वाले हैं। लेकिन आज बहस किस बात पर हो रही है ताल ठोक के, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। बहस इस बात पर हो रही है कि अमित शाह कर्नाटका में आगे आगे मठों का दौरा करते हैं और फिर पीछे पीछे राहुल गांधी मठों का दौरा करना शुरू करते हैं, यानी शुरुआत होती है देव दर्शन से, अचानक फॉर्मूला बदल जाता है। ये कर्नाटक के चुनाव है ही इतने इंटरेस्टिंग कि हर बार मुद्दा बदल रहा है। अगर कुछ नहीं बदल रहा है तो वो है धर्म, वो है जाति की राजनीति। और इसीलिए अब दलित दर्शन पर क्या सियासत बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से हो रही है, 5 बजे इसी पर हम बहस करने वाले हैं। और 6 बजे जो बहस होगी ठीक आपके सामने है, दलित हित बहाना, मोदी सरकार है निशाना, इस पर हम बात करने वाले हैं। लेकिन वो कौन से 5 बड़े सवाल है जो आज यहाँ कर्नाटका की धरती से, कर्नाटका पॉलिटिकल लीग के मंच से हम तमाम नेताओं से पूछने वाले हैं, वो आपके सामने स्क्रीन पर। पहला सवाल, कर्नाटका की 60 सीटों के लिए बीजेपी और कांग्रेस दलितों पर दाव लगा रही है, क्या दलित उनके लिए वोट मशीन के सिवा और कुछ भी नहीं है? ये वो सवाल है जो आज उठाएंगे। तीसरा सवाल, राज्य में चुनाव है, क्या सिर्फ इसीलिए दलितों से दरियादिली दिखा रही हैं ये पॉलिटिकल और ये राजनीतिक पार्टियां? सवाल राहुल गांधी ने बीजेपी पर उठाया था, याद कीजिए सवाल था कि डीएनए में है ये सब कुछ तो बीजेपी के, लेकिन सच्चाई क्या ये नहीं है कि दलितों को वोट बैंक के तौर पर या दलितों से दगाबाजी सियासी पार्टियों के डीएनए में है, सियासत में है? सारे खास मेहमानों से आपका मैं परिचय करवाऊं, उससे पहले जल्दी से ये बयानों की बौछार आप देख लीजिए। बीजेपी का जो धर्म है वो सिर्फ सत्ता को छीनने के लिए है। हम लड़ते हैं, हम खड़े होते हैं, जनता के लिए खड़े होते हैं। कर्नाटका में जो हालात बन रहे,
110 फीसदी कांग्रेस आएगी। ये तो बैकफुट पर चले गए, अमित शाह जी तो कंपेन छोड़कर वापस आ गए। आपको पता है इनके सारे फंक्शंस में दलित भाइयों ने वहां के इनको बोलने नहीं दिया। बीजेपी को दलित विरोधी कहना ठीक नहीं है, और हम कांग्रेस को भी तो दलित विरोधी नहीं समझते, क्योंकि कोई भी पार्टी दलित विरोधी नहीं है, क्योंकि वो दलित विरोध करेगी तो उनको सत्ता में आना मुश्किल होगा। अमित शाह असेरी है, राहुल गांधी अब पसेरी है। हमें गांधी चाहिए गोडसे नहीं, हमें भगवान नहीं चाहिए, हमें तिरंगा चाहिए। तो कर्नाटका पॉलिटिकल लीग में ताल ठोक के जो आज सवाल पूछ रहे हैं वो आपके सामने है, लेकिन इन सवालों का जवाब देने के लिए कौन कौन हमारे साथ है, तालियों के साथ उनका स्वागत के लिए कर्नाटका की जनता हमारे साथ यहाँ बैठी है। सबसे पहले मैं आपका तारुफ करवा दूं, तनवीर अहमद साहब प्रवक्ता है जेडीएस के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। हालांकि अभी अभी मुझे पता चला कि तनवीर अहमद की जो पॉलिटिकल करियर की शुरुआत है वो इसी फ्रीडम पार्क से हुई है, और अभी कुछ देर पहले आए तो उनको ये लगा कि मैं वापस अपने पुराने दिनों में आ गया हूँ। तो क्या जेडीएस भी अपने पुराने दिनों में जाएगी या कुछ नया करके दिखाएगी, इस सवाल का जवाब तनवीर अहमद देंगे। मालविका अविनाश हमारे साथ है, मालविका जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, तनवीर साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार तालियों से स्वागत करना होगा आपको। कन्नड़ और तमिल फिल्मों की जानी मानी हस्ती है मालविका हमारे साथ, रिजवान अरशद साहब जो कि इस वक्त बेंगलुरु सेंट्रल सीट से विधायक है कांग्रेस की तरफ से, और कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। ये तो तीन मेहमान यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है बेंगलुरु में। हमारे साथ और जो मेहमान है वो है डॉक्टर अजय उपाध्याय जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, जेएनयू के छात्र रहे हैं, कांग्रेस की विचारधारा के समर्थक भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। टी आर रामचंद्रन साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं और साउथ की राजनीति को बहुत अच्छे से जानते परखते और समझते हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गौरव भाटिया बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं, भाटिया साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अवनिजेश अवस्थी साहब आरएसएस के विचारक है और डीयू में एसोसिएट प्रोफेसर है, हिंदी साहित्य पढ़ाते हैं, अवनिजेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत मैं यहाँ से करूँगी और मालविका आपसे जानना चाहूँगी, दलित 7 सीटों पर, आज देखिए जब अमित शाह आए तो वो एक के बाद एक दलितों पर ट्वीट कर रहे हैं, पहले मठों की राजनीति अब दलितों की राजनीति, राजनीति सिर्फ वोट बैंक की है बेसिकली। नहीं, मुझे तो ऐसे लगता नहीं है, हम जाति के आधार पर कभी राजनीति नहीं करते, ये बीजेपी कभी जाति के आधार पर राजनीति नहीं करती। और जो मठों की बात आपने की, टेम्पल रन अगर कोई करता है वो राहुल गांधी है, उनको सडनली लगा है कि हिंदुओं से बात करनी है, हिंदुओं की बात सुननी है, क्योंकि 4 साल 10 महीने तक सिद्धरामैया तो सुनते नहीं थे हमारी बात, हिंदुओं की बात नहीं सुनते थे, और हिंदुओं के बारे में उनको कोई इंटरेस्ट भी नहीं थी। अब जब इलेक्शंस आ खड़े हुए हैं इसलिए मठ में जा रहे हैं, मैं मंदिर में जा रहे हैं, मुझे बात खत्म करने दीजिए, उसके बाद रिजवान जी बोलेंगे तो हम भी सुनेंगे साथ में। और एक और बात मैं बता दूं, जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, हमारे जो लीडर्स हैं वो पहले से ही मठ मंदिर में जाते हैं, अभी भी जाते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। और जहाँ तक दलितों का सवाल है, ये भी आजकल राजनीति के लिए दलितों पर भी और दलितों को भी एक मुद्दा बना के रखा है, ये बहुत ही इट्स वेरी अफसोस की बात है कि बीजेपी ये काम नहीं करती है। रिजवान जल्दी से क्विकली, अब क्या बताएं, बीजेपी सिर्फ हिंदू और मुस्लिम कर सकती है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। 4 साल 10 महीने की बात कर रहे हैं, 4 साल 10 महीने में कर्नाटका का जो चीफ मिनिस्टर रहा है वो कौन सी जात के रहे हैं, कौन से धर्म के रहे हैं, हिंदू हैं, सिद्धरामैया भी हिंदू हैं, लेकिन हिंदू एक मिनट आपकी बात सुनिए, थोड़ा बात सुनने की भी क्षमता रखिए। 4 साल 10 महीने की बात करें, चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया भी हिंदू है, हमारा एक एक कार्यक्रम जो है कर्नाटका की रियासत की जनता के लिए है जो मेजॉरिटी हिंदू है, और हिंदू मुसलमान करके इनकी रोटियां सेकने का जो काम कर रही है इस देश का और इस मुल्क का हिंदू समझता है, सिर्फ वोट के लिए हिंदू का नाम बोलना। रिजवान अरशद, और कांग्रेस जो है वो हिंदुओं को भी बांट देती है, कैसे बांट देती है बताइए, लिंगायतों को अलग धर्म का दर्जा देना क्या हिंदुओं को बांटना नहीं है? क्या मैं आपको गणित बताऊं कि कंप्लीट जो हिंदू पॉपुलेशन है, रूबिका जी मैं आपको बता दूं, नेशनल लेवल पर वो 2% गिर जाएगी, इंक्लाइन जो है वो डिक्लाइन जो है फॉरन आ जाएगा। अब वो गणित भी मुझे समझाने की जरूरत है, मैं आपको एक गणित समझा दूंगा,
कि लिंगायतों का जो डिमांड है कि वो माइनॉरिटी में आएंगे और उनका एक अलग धर्म है बसवण्णा ने जो बनाया था, ये डिमांड 100 साल पुराना है। और 2013 में चीफ मिनिस्टर इनके रहे येडियुरप्पा साहब, उन्होंने दिया है मेमोरेंडम, उन्होंने साइन किया है। आज जब हमने कमेटी बना करके रेकमेंड कर दिया 2013 में, येडियुरप्पा जब करते हैं तो ठीक है, बीजेपी जब करती है तो ठीक है, कांग्रेस नहीं करेगी। इन 2013 मिस्टर येडियुरप्पा वाज नॉट द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, मिस्टर सिद्धरामैया वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। मैडम व्हाई डू येडियुरप्पा, आई सेड यू डोंट अंडरस्टैंड हिंदी मैडम, आई सेड योर चीफ मिनिस्टर एट वन टाइम येडियुरप्पा साइन द पिटीशन इन 2013। Why did he sign the petition? Did he sign or did he not sign, Malvika? क्यों साइन किया था? साइन किया कि नहीं किया? क्यों साइन किया था? The question is not about his signature. साइन किया कि नहीं? Why there is no question? साइन किया? मैंने बीजेपी मैन साइन? इस वन आप बोल रहे हैं? एक सेकंड। ओके मैं आगे बढ़ती हूँ सर। आप बोलते ही रहेंगे, दूसरों को बोलने नहीं देंगे। एक बात मैं बता के खत्म कर दूंगी बात को। नहीं नहीं रूबिका जी मुझे बोलने दीजिए जल्दी से। मालविका एक ही साल बोलूंगी, एक ही सेंटेंस बोलूंगी। In 2013 November, when the letter was forwarded by Mr. Veerappa Moily to Mrs. Sonia Gandhi, the Prime Minister of India was Mr. Manmohan. Why did Veerappa sign? Mr. Manmohan, why did Mr. Veerappa sign? Veerappa sign क्यों किया? Veerappa उस वक्त एक छोटा किरदार निभा रहे थे। एक तो छोटे किरदार में हिंदू बांट सकते हैं? सवाल सुनिए ना, मेरे सवाल पहले सुनिए। बड़े किरदार में उस वक्त सेंट्रल की गवर्नमेंट थी और स्टेट में कांग्रेस गवर्नमेंट। जब छोटे किरदार में थे तो हिंदू बांट सकते हैं, बड़े किरदार में आगे तो हिंदू एक होना। तन्वीर अहमद मैं वो लेटर लेकर नहीं आई हूँ सर, मुझे वो लेटर लेकर आना चाहिए था जहाँ पर ये बताया गया है। जब येडियुरप्पा जी ने साइन किया था वो लेटर मैं भी नहीं लाया हूँ, मैं भी लेके आता तो अच्छा था। आज चूंकि हम बेंगलुरु से कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं तो मैं यहाँ के मेहमानों को पहले तरजीह दूंगी और उसके बाद आऊंगी। एक एक मिनट का मैंने 2013 में सेंटर में भी कांग्रेस की सरकार थी और कर्नाटका में भी, इससे क्या रिजवान छूटेंगे मुझे बताइए। मैं एक्चुअली एक बात, और चार साल तक क्या कर रहे थे सिद्धरामैया? फ्रॉम 2013 नवंबर टू फरवरी 2018 ये वो मास्टर स्ट्रोक खेलने का इंतजार कर रहे थे क्योंकि इलेक्शंस आ खड़े हैं सामने। ये दोनों दलित के बारे में नहीं बात करते हैं, ये दल हित के बारे में बात करते हैं। इनके दल के हित में है कि वो दलित के बारे में बात करें, ये हमेशा दल के हित में ही बात करते आए हैं। रिजवान अरशद जी बड़े अनुभवी पॉलिटिशियन हैं, शायद भूल गए कि 3,586 फार्मर्स यहाँ पर आत्महत्या कर लिए, यहाँ पर 9,000 से ज़्यादा वुमेन मैल न्यूट्रिशन की वजह से उनका गर्भपात हो जाता है हर महीने में। ये विषय नहीं है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर चला गया है, एक दिन में 10 बच्चे मर जाते हैं पॉट होल्स की वजह से बेंगलुरु के अंदर। ये विषय नहीं है, किसान की आत्महत्या विषय नहीं है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो गया ये विषय नहीं है, एजुकेशन सिस्टम खराब है। एक सेकेंड, गौरव भाटिया जी और इनकी पार्टी से मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, अमित शाह इज अ वेरी गुड पॉलिटिकर, अमित शाह इज नॉट अ पॉलिटिशियन, अमित शाह नोज टू मैनेज इलेक्शन, ही कांट मैनेज जनरेशन। मैं जवाब एकदम फटाफट से लेना चाहती हूँ, आप अपनी बातों को लंबा कर सकते हैं लेकिन मैं चाहती हूँ कि जल्दी जल्दी छोटे शब्दों में छोटी सेंटेंसेस में अपनी बात कंप्लीट करें। गौरव भाटिया जो असल मुद्दे हैं उस पर तो साहब कोई बात ही नहीं कर रहा है, किसी को पड़ी नहीं है किसानों की, किसी को पड़ी ही नहीं है किस तरीके से यहाँ पर ट्रैफिक बिजली ये सच में समस्या है, पड़ी है तो मठों की पड़ी है तो दलित को वोट बैंक के तौर पर किसी तरीके से लुभा लेने की पड़ी है बस। रूबिका जी मैं बिल्कुल ये जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए कांग्रेस का चरित्र ही बांटने का है, और आज राहुल गांधी कह रहे थे हम जनता के लिए खड़े होते हैं। राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं क्या मुस्लिम महिलाएं जनता का हिस्सा नहीं है? शाहबानो कह रहे हैं तनवीर अहमद जेडीएस के, आप कभी मुस्लिम महिलाओं के साथ खड़े हुए पर मुझे ये बताइए आपकी बैकडोर ये कौन सी साठगांठ है कि आप जेडीएस के खिलाफ नहीं बोलेंगे, जेडीएस आपके खिलाफ नहीं बोलेंगे? एक एक करके मैं सब पे आऊंगा। नहीं रूबिका मैं एक एक करके सब पे आऊंगा। आज आपने जो टॉपिक रखा है उसमें दलितों की बात करी है, कांग्रेस को क्या ये उत्तर नहीं देना चाहिए कि भीमराव अंबेडकर साहब को इन्होंने भारत रत्न से क्यों नहीं नवाजा, पार्लियामेंट में उनका क्यों नहीं हमने पोर्ट्रेट लगवाया, और सबसे बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी क्योंकि दलितों का मुद्दा है
तो अमेंडमेंट कौन लाई SC ST एक्ट में, उस कानून को और मजबूत किसने कहा, और उसके बाद रिव्यू पिटीशन भी कम 6 वर्किंग डेज के अंदर फाइल करी है, क्योंकि हमारी सड़कों पर दलित हम लोग दलितों के साथ भी खड़े होंगे, हम लोग अल्पसंख्यकों के साथ भी हैं और बहुसंख्यकों के साथ भी। आप पुरानी बातें तो कर रहे हैं और उस पर जवाब देना होगा, नो डाउट, लेकिन किसकी सरकार के रहते दलित तादाद में आज सड़कों पर उतरे हैं, किसके रहते, किसकी सरकार के रहते 7 से ज्यादा मौत हो जाती है, हिंसक हो जाता है पूरा का पूरा मामला। डॉक्टर अजय उपाध्याय, नहीं नहीं रूबिका, मैं अभी जिस तरह से गौरव जी बोल रहे हैं मैं इनसे ही प्रश्न पूछना चाहता हूं, उन्ना में हिंसा हुई कहां से हुई और किसकी सरकार है, और सर्वोच्च न्यायालय जो मारा गया और किसके सरकार के उसके खिलाफ दायरे में था उस समय, आज जो सहारनपुर में हिंसाएं पिछले वर्ष में हुई कैसे हुई और कौन था उसके लिए जिम्मेदार, आप जिम्मेदार की नहीं है, सरकार का काम है सभी धर्मों के सभी समुदाय के लोगों को लेके चलना, लेकर चलना ये महत्वपूर्ण बात है, हर बात के लिए सियासत नहीं होनी चाहिए, इस देश में दलितों की जो आवाज है वो आवाज पर सबका दायित्व बनता है, उस आवाज को मजबूती दे सभी धर्मों के लोगों को, सामाजिक संगठनों को और राजनीति करने वाले को सबसे ज्यादा ये लेकिन सच्चाई तो ये है जो गौरव भाटिया आपको कह रहे हैं, गौरव भाटिया ये SC ST कानून आपकी सरकार लाई थी, आप ये बताइए रूबिका जी, भारत रत्न आपने दिया था अंबेडकर साहब को, याद दिलाओ किसकी सरकार ने दिया था, लेकिन दलितों के हित के लिए हराया किसने, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को पार्लियामेंट में हराया किसने, दलितों का तो विकास हुआ है ये भाजपा की देन नहीं है, और सबका साथ और सबका विकास की बात करने वाली पार्टी आज 4 वर्षों में सबका साथ तो जरूर उनको मिला, लेकिन तकरीबन सबका विनाश हुआ है, इस विनाश के लिए जिम्मेवार है आज दलितों की आवाज, वंचितों की आवाज, शोषितों की आवाज, महिलाओं की आवाज, सब जगह जहाँ हिंसा मुक्त होना चाहिए वहाँ भारत हिंसा युक्त होता जा रहा है, देखिए किस तरह की तरह पूरे देश में देखने को मिले, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, आपको देश ने बड़े विश्वास के साथ ताकत दी थी, बहुमत दिया था देश को बनाने के लिए, देश को तोड़ने के लिए नहीं, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पे, कभी समुदाय के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, सिर्फ राजनीति नहीं होनी चाहिए, देश को आगे बढ़ाने की बात होनी चाहिए। एक सेकंड डॉक्टर उपाध्याय, नाउ लिसन टू मी, आई हैव गिवन यू इनफ टाइम सर, नाउ लिसन टू मी, एक सेकंड, जब आप ये बोलते हैं तो आपको वाकई आपकी अंतरात्मा कचोटती नहीं है, जब आप ये कहते हैं कि धर्म की राजनीति सिर्फ और सिर्फ बीजेपी कर रही है, जब आप कहते हैं कि दलितों की राजनीति सिर्फ और सिर्फ बीजेपी कर रही है, आप तो अलमदार हैं। रूबिका जी पिछले 4 वर्षों में इस देश में अल्पसंख्यकों के साथ जो अन्याय हुआ है, दलितों के साथ जो अन्याय हुआ है, इसलिए कौन जिम्मेदार है? अखलाक क्या मेरे सरकार में, कांग्रेस के सरकार में, बसपा और सपा के सरकार में, हमारी सरकार ने उसके साथ इस तरह की कवायदे हुई, बजट में जुनैद क्या किसके सरकार में गया है, उतना प्रावधान बजट में उनको दिया जाए, ये कानून हमने बनाया है और हमने वो पैसा उनके लिए रिजर्व रखा है, उनके लिए खर्च कर रहे हैं। दूसरी बात, बीजेपी दलितों की बात कर रही है, दो यूनियन मिनिस्टर उपाध्याय आपके ही साथ ही बोल रहे हैं सर, सुनिए ना उपाध्याय साहब, 2 मिनट सुन लीजिए, 1 सेकंड आप मुझे गिना दीजिए, काम ये लिख दिया आपने, लिख दिया नहीं, कानून बना दिया, कानून पास हो गया, कानून इंप्लीमेंट हो गया, जमीन पर कितना, जमीन पर 4 साल से चल रहा है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया, जमीन पर पूरे हिंदुस्तान में, सुनिए मेरी बात, जमीन पर पूरे हिंदुस्तान में दलितों की जनसंख्या के अनुगुण उनको बजट में प्राविधान नहीं मिला, और एक बात मैं बता दूं, दो यूनियन मिनिस्टर अनंत कुमार हेगड़े जो दलितों की तुलना कुत्तों से करते हैं, वीके सिंह दलितों की तुलना कुत्तों से करते हैं, आज भी मंत्री हैं, ये तालियां से बात नहीं बनती, दलितों को और मुसलमानों को सबसे ज्यादा बर्बाद किया तो कांग्रेस ने बर्बाद किया है, दलितों को और मुसलमानों को सबसे ज्यादा बर्बाद कांग्रेस के दौर में किया गया है, अरे सवाल पूछने पर जवाब तो आप देंगे ना, आपने बता दिया 4.5 अरे इनके ही चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जवर की बोल के कॉन्स्टिट्यूएंसी है इनके, चीफ मिनिस्टर की जाकर देख लीजिए, बीजेपी से एक सवाल है आप थोड़ा सुन लीजिए, अरे सवाल बीजेपी को क्यों डिफेंड करने में लगे, हम किसी को डिफेंड, हम ना आपकी
बीजेपी हम कर्नाटक की टीम है, हम आपकी भी टीम है, हम पूरी बीजेपी की है, हम कर्नाटक की जनता की टीम है। आप लोग झूठ बोल रहे हो, आप झूठ नहीं बोल सकते। यहाँ पर खड़े होकर आप झूठ नहीं बोल सकते। आपने किसानों के लिए कुछ नहीं किया है, आपने किसानों की मौतों को बहाना बनाया है। अनंत कुमार हेगड़े ने कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की बात नहीं की। अरे अनंत कुमार हेगड़े को आप क्यों उन लोगों को निकालना चाहिए? नालायक आदमी है, आप बोलिए नालायक आदमी है। अनंत कुमार हेगड़े कॉन्स्टिट्यूशन का नालायक आदमी है। तनवीर अहमद रिजवान साहब याद दिला दूं, जेडीएस के प्रवक्ता है। गौरव भाटिया यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता। आपको सवाल करना है हेगड़े साहब पर, तो गौरव भाटिया जी को मैंने आमंत्रित किया हुआ है। गौरव भाटिया जी क्या जवाब देंगे? एक सेकंड, अनंत कुमार हेगड़े, अनंत कुमार हेगड़े एक आदमी, एक मिनिस्टर है, नालायक सी बातें करता है, उसको कंटिन्यू किया जाता है, अरे उसको निकालना चाहिए। वो बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देगा। अनंत कुमार हेगड़े के कहां से कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की बात की और उसके लिए अपॉलॉजी मांग लिया पार्लियामेंट में? बार बार वही बोलने से क्या होता है? यहाँ जो जनता बैठी हुई है, हेगड़े को लेकर सवाल पर जवाब चाहती है बीजेपी का। कुछ भी नहीं किया कर्नाटक के अंदर, कर्नाटक के अंदर दलितों के लिए कुछ भी नहीं किया कांग्रेस ने, सिर्फ दलितों का वोट लिया है आपने। देख रहा है, एक सेकंड सुनिए रूबिका, आपके आपके प्रश्न का उत्तर पहले देता हूँ। आपकी तालिबान ने लेकिन एक तथ्य मैं रखना चाहता हूँ जो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप दलितों की बात कर रही हैं। गौरव भाटिया साहब, आप मैं अपनी बात पूरी कर सकता हूँ क्या? दलितों पर अपना पक्ष रखिएगा, हेगड़े पर अपना पक्ष रखिएगा, लेकिन सर एक सेकंड, मेरे दो मेहमान भी तो बैठे हुए ना, जरा उनसे भी तो मैं जरा जानकारी ले लूं। सबसे पहले अवनिजेश जी, सवाल आ रहा है कि एक एक करके क्या वाकई जिस तरीके की सोच पीछे चल रही है उसी पर काम बीजेपी करती हुई नजर आ रही है क्या? देखिए, बीजेपी के बारे में तो गौरव भाटिया बैठे हैं, मेरा बीजेपी के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है, मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं। लेकिन एक बात बड़ी साफ सी है, अभी कहा गया कि 60 साल में दलितों का बहुत विकास हुआ। दलित स्वयं इस बात से अगर सहमत है तो मैं अपनी बात कुछ भी बात मानने को तैयार हूं। सीताराम केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, टॉयलेट में बंद कर दिया गया था उनको। एक दलित नेता के साथ जितना बुरा बर्ताव किया गया वो अनप्रेसिडेंटेड है, किसी किसी पार्टी में ऐसा नहीं हुआ होगा। कुर्सी समेत उनको उठा करके, मैं बीच में नहीं बोला था दलित नेता नहीं थे, उनको दलित आप मत बोलिए ना, दलित नहीं थे, सभी बुलाए गए हैं, सभी बोलेंगे, जाना सुनिए ना पहले, दलित नहीं थे, आप चुप रहिए, उनको बोलने दीजिए, आप क्लियर कीजिए, आप बोले बीच में दलित नहीं थे, अरे आप बोले, मैं कह रहा हूं कि कौन बोले ना बोले, पिछड़ी जाति के बस आप दलित कह रहे हैं ना, गलत बात है, ये बात है, आप ये बात है, आप गलत चीज में डाला है, ये विभाजन नहीं डालिए, ये विभाजन है आपका, अरे फिर गलत, यही विभाजन है आपका, गलत स्वीकारना चाहिए, यही तो विभाजन है, क्षमा मांगनी चाहिए, बांट दो किसी तरीके से समाज को, आप फिर गलत डायरेक्शन, समाज को किसी तरीके से बांट दो, गलत चीज ये है आपका, यहां जस्टिफाई मत कीजिए, ये है कि समाज को किसी भी तरीके से बांट दो, कभी जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि ग्राउंड लेवल पर बात पूरी कीजिए जल्दी, हाँ, ग्राउंड लेवल पर समरस समाज बने, संघ उसलिए दलित बस्तियों में, दलितों के बीच में उनका स्वावलंबी बनाना, आत्मविश्वास जगाना, उनको मुख्य धारा में लेकर के आना। मैं एक बात, सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, संघ के किसी भी शिविर में, कार्यक्रम में कोई जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल नहीं होता, मालूम ही नहीं होता कौन किस जाति का है, सब बराबर है, कोई उच्च नहीं, कोई नीच नहीं, ये वास्तविकता होनी चाहिए समाज की। और संघ लगातार पिछले 90 से अधिक वर्षों तक इस सर, क्षेत्र में लगातार काम कर रहा है। वास्तविकता में अगर ये बात है, आप तो जाके देख लीजिए, ओपन मेरी खुली चुनौती है, संघ के किसी भी शिविर में जाके देख लीजिए आप, नहीं नहीं मेरा सवाल सुनिए ना, कोई भी आके देख ले और अचानक आके देख ले, अकस्मात आके देख ले, कोई प्लान नहीं है, तो बार बार कांग्रेस आप पर इसी चीज को लेकर अटैक क्यों करती है? कांग्रेस के बारे में क्या बोलूं, जिसको जिसको एनसीसी के बारे में नहीं मालूम वो आरएसएस के बारे में बोलता है, जिसको एनसीसी के बारे में मालूम नहीं है वो आरएसएस के बारे में ट्वीट करता है, पहले एनसीसी के बारे में जान ले रिजवान।
मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, एनसीसी के बारे में जानकारी नहीं, आरएसएस के बारे में बात करेंगे आप? सी एनसीसी अलग है, आरएसएस अलग है। हाँ बिल्कुल अलग है, लेकिन जान तो लो एनसीसी के बारे में। आप कभी शाखा में गए हैं? आपको आरएसएस के बारे में क्या पता है? समाज का अगर कोई तोड़ता है तो वो सिद्धरामैया है, इनके नायक और कोई नहीं। रिजवान साहब बात बताइए एनसीसी के बारे में। आपके नेता को एनसीसी के बारे में नहीं मालूम? जरा इसके बारे में बता दीजिए। आपको बता रहे मनुवादी। अरे एनसीसी के बारे में बताइए, क्यों नहीं मालूम उनको? आरएसएस एक मनुवादी। एनसीसी के बारे में क्यों नहीं मालूम उनको? दलितों के साथ बर्ताव। आप बताइए ना, बेंगलोर में सवाल हुआ था उनसे, बेंगलोर में सवाल हुआ था एनसीसी के बारे में, क्यों नहीं मालूम उनको? पता तो करे कि वहाँ क्या होता है। तो अम्बेडकर इज वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन टू रिमेंबर्ड इन द मॉर्निंग शाखा में, ये जानते हैं क्या? मैंने जब अपने कार्यक्रम की शुरुआत की थी केपीएल की, कर्नाटका पॉलिटिकल लीग की, तो उसमें पहला सवाल सर यही था कि पहले मठों के दर्शन हुए, फिर दलितों के दर्शन हो रहे हैं। ये पूरी की पूरी पिच जो है ना सर, वो धर्म और जात की पिच है, इसके अलावा कोई और मुद्दा आने वाला नहीं है। आप भी इस चीज के लिए वाउच कर सकते हैं सर, बरसों आपने पॉलिटिक्स कवर की है। देखिए रूबिका जी, कुछ बातें ऐसी हैं जो हम नकार नहीं सकते, ना ही राजनीतिक दल जितने भी हैं देश में। सबसे अहम बात यह है कि हर राज्य में पॉपुलेशन ऑफ दलित्स, आप उनको बैकवर्ड से बैकवर्ड कर लीजिए या दलित में सबको एक शामिल करके एक ग्रुप करके देख लीजिए, परसेंटेज उनका सबसे ज़्यादा बैठता है। यूपी जैसे राज्य में किसी एक पार्टी को अगर 3/4 सीट मिल जाए, सिर्फ दलित और बैकवर्ड, जो दलित में बहुत ही बैकवर्ड हैं, पिछड़े हैं, उनका अगर आपने टारगेट करके लार्जर सेक्शन का आपको वोट मिला तो आपको ये वोट काउंट मिले। अब प्रॉब्लम ये है कि जो तकरार कल हुआ है सिर्फ एक ही राज्य में नहीं पूरे देश में, उसका एक बड़ा अलग सा सिग्नल जाता है और वो सिग्नल कोई भी राजनीतिक दल के बहुत अच्छा नहीं है। तो आखिरकार मेरे ख्याल में राजनीतिक दलों के लिए इस वक्त एक संकट आ गई कि अगर दलितों के वोट्स बन गए, बट गए और बुरी तरह बट गए, तो मेरे ख्याल में हर राजनीतिक दल के लिए मुश्किल होगी। सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ पर यही लगा लेकिन हुआ सर, है। ये भी तो सच्चाई है कि दलितों का जो ये वोट बैंक है, ये मेरा होमवर्क बहुत स्ट्रांग है सर, जब मैं ये बात कहती हूँ, एक पैटर्न रहा है कि दलित किस तरीके से कांग्रेस के साथ रहा लेकिन कांग्रेस से फिर छिटकता चला गया, और बेस अब मजबूती से, आप क्षेत्रीय पार्टी को छोड़ दीजिए, बीजेपी के पाले में ज्यादा जाता नजर आ रहा है गौरव भाटिया। लेकिन अब जो ये दलित सड़क पर उतर गए हैं और अब जो कोर्ट का फैसला आया है, उसके बाद यू आर इन अ कैच 22 सिचुएशन, खासकर दलित वोट बैंक की बात करें तो। नहीं रूबिका जी, देखिए मैं आपको प्रमाण के साथ चर्चा में कुछ चीजें रखता हूं और दिखाता हूं कि दलितों के लिए कैसे भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कार्य किया है। SC ST एक्ट को अमेंड किया 2015 में और एक कड़ा प्रावधान आया कि 60 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल होनी चाहिए, यह इससे पहले नहीं था। B.R. अंबेडकर साहब को जब भारत रत्न मिला तो भारतीय जनता पार्टी ने उसका समर्थन किया, कांग्रेस उन्हें करीब 40 साल भूल चुकी थी। इसके अलावा आप देखिए भीम ऐप जो हम लाए, वो बाबा भीम साहब राव अंबेडकर के नाम पे लाए हैं। स्टैंड अप इंडिया मुद्रा योजना, दलितों ने सबसे ज्यादा फायदा इससे उन्हें मिला और वो मजबूत हुए। आज सबसे बड़ी बात है सिद्धारमैया 40 लाख की घड़ी पहने हैं, जब 3500 से ज्यादा किसानों ने कर्नाटका में आत्महत्या करी है, क्या ये शोभा देता है? और कर्नाटका में दलितों पे सबसे ज्यादा अपराध हुआ है, मेरे पास 2016 के आंकड़े हैं, आप देखिए ऐसी 1800 घटनाएं हुई हैं 2016 में जहां पे दलितों के ऊपर अत्याचार किया गया है। हाँ। सिद्धारमैया सो रहे थे क्या? तब इनको दलितों की याद नहीं आई? और दलित भाई सब देख रहे हैं कि जो हमने पुनर्विचार याचिका डाली है, ये 6 दिन जो हमारे थे वर्किंग डेज, उसमें 2007 से लेकर पिछले साल तक 66% दलितों के साथ जो उत्पीड़न के केसेस हुए हैं ना सर, क्राइम जो हुआ है उसके अंदर 66% 66% वृद्धि हुई है। और जब मैं पिछले साल तक की बात करती हूँ तो आपकी सरकार भी है उसमें,
अच्छा खासा 4 साल है। लेकिन दर्शकों को एक बार फिर से मैं बता दूं, यहाँ पर कर्नाटका में इस वक्त हम मौजूद हैं, केपीएल कवर कर रहे हैं। केपीएल आप समझते हैं, ये कर्नाटका पॉलिटिकल लीग है, यहाँ पर भी इसी तरीके से मैच हो रहा है। कभी गुगली फेंकी जा रही है, कभी बाउंड्री के पार बॉल जा रही है, कभी अमित शाह, कभी राहुल गांधी, कभी जेडीएस की तरफ से एक के बाद एक रन बटोरने या रन के यहाँ पर आप वोट कह सकते हैं बटोरने की कोशिश हो रही है। और इसीलिए सबसे बड़ी कवरेज जी न्यूज इसीलिए ग्राउंड जीरो से कर रहा है। और आज ताल ठोक के कार्यक्रम हम बेंगलुरु से कर रहे हैं, सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। और खासकर बेंगलुरु में हमारे साथ तनवीर अहमद साहब मौजूद है, मालविका अविनाश मौजूद है, रिजवान अरशद साहब मौजूद है, और वहाँ स्टूडियो से हमारे साथ अभिनिजेश अवस्थी हैं, हमारे साथ गौरव भाटिया भी जुड़े हुए हैं, टी आर रामचंद्रन भी और डॉक्टर अजय उपाध्याय भी। अब मैं आपके पास आ रही हूँ तनवीर अहमद साहब, ये बताइए कि दलितों की राजनीति में क्या जेडीएस एकदम मासूम सी है? आपको शायद ये पता रहना चाहिए कि देश का पहला शूद्र प्राइम मिनिस्टर देवेगौड़ा थे, पहला शूद्र प्राइम मिनिस्टर एच डी देवेगौड़ा साहब थे। ये क्या बात करते हैं, देखिए क्षेत्रीय दल ही हैं जिन्होंने हमेशा दलितों की, पिछड़ों की और कुचलों की राजनीति की है। इन्होंने हमेशा ऊंची जाति वालों की राजनीति की है, दलितों को इस्तेमाल किया है बीजेपी, और बीजेपी ने तो कभी कंसिडर ही नहीं किया, कांग्रेस ने तो हमेशा इस्तेमाल किया उसका। आप एक बात बता देता हूँ, देखिए मुझे दलितों की, मुसलमानों की राजनीति हमको करनी नहीं आती, हमको करनी भी नहीं है। हम कहते हैं इन दोनों बड़े पार्टियों से, हम बहुत छोटी सी पार्टी है, अरे महादाई का प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए, 1.5 करोड़ लोगों को मदद हो जाएगी, कावेरी का प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए और 1 करोड़ लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, किसानों के मुद्दों को आप हल कीजिए, नहीं करेंगे ये मंदिर मठ और दलितों के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाने की राजनीति। केवल जैसे गालिब का एक शेर है कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ लॉलेसनेस इतनी बढ़ गई है, यहाँ पे लोकायुक्ता खुद अपने ऑफिस में सेफ नहीं है, बेंगलुरु की हालत देखिए। लोकायुक्ता है क्या, एसीबी है? हाँ लोकायुक्ता तो है ही नहीं, उसको तो बंद करी दिया इन लोगों ने, पुलिस पावर्स छीन लिए उनसे। और यहाँ पर पानी में आग लगती है, आप जाके देखिए, यहाँ के लेक्स को जाके देखिए, पानी में आग लगती है, लोग सड़कों पे मर जाते हैं। तो मालविका अमित शाह फिर मठों में जाकर क्यों दंडवत कर लेते हैं? अरे वो ये मुद्दे उठा रहे हैं भाई, मठों में जा रहे हैं, मठों में अगर कोई नया नया जा रहा है वो राहुल गांधी है, अमित शाह जी नहीं है, वो हमेशा से जाते हैं मंदिरों में, मठों में। ठीक है, अगर जवाब देना है तो आज कांग्रेस पार्टी को जवाब देना है कि भाई 3,700 चुनाव लड़ते हैं, लेकिन राहुल गांधी को बड़ा सॉफ्ट हिंदुत्व आजकल भा रहा है, अलग अलग वेशभूषा में मठों का दर्शन कर रहे हैं। हिंदुइज्म अलग है, हिंदुत्व अलग है, कि कोई कोई हमें पाठ मत पढ़ाइए। आप बोल, आप बोल, आप बोल, आप बोल, बोल, पहले जवाब दो, इनको 10 मिनट दे दीजिए, फिर आप पहले जवाब दो, किसानों के बारे में जवाब दो, किसानों के बारे में जवाब दो, मठ मंदिरों के बारे में हमें जवाब आपको देना होगा। आप जवाब रिजवान साहब पूछेंगे ना, आपसे जवाब वो क्यों दे रही, सवाल पूछेंगे तो जवाब तो आपको देना होगा। किसानों के बारे में बोलने को बताइए, बेंगलुरु की वोट बैंक की बात कर रहे हैं ना, मैं उस पर बात कर रहा था। जब वो बोल रही थी तो मैं सुन रहा था। ओके, जब मैं बोल रहा हूँ तो उनको भी तो सुनना चाहिए। ठीक है मालविका जी, चुपती है बात लेकिन सुननी चाहिए। देखिए हिंदुइज्म अलग है, हिंदुत्व अलग है, कोई मंदिर जाता है और कोई मस्जिद जाता है, मंदिर से बाहर निकल के मस्जिद से बाहर निकल के, अगर कोई मुसलमान मस्जिद से बाहर निकल के हिंदुओं के बारे में गलत बोलता है, कोई हिंदू मंदिर से बाहर निकल के मुसलमानों के बारे में गलत बोलता है तो वो गलत है। कोई मंदिर चले जाना और कोई मस्जिद चले जाना गलत बात नहीं है, तो इसे ठेका ले रखा है कि मस्जिद सिर्फ ओएसी साहब जाएंगे, बीजेपी वाले जाएंगे, यही काम तो करते हैं। बोलिए आपने सुना, चुनाव के टाइम जाना, पॉलिटिक्स में हार के पता
राजनीति से अलग रखो, ये सब बुनियादी विचार किसका है? धर्म को राजनीति से अलग रखो, ये कहना छोड़ दो ना, ये कहना छोड़ दो। इस देश में आप धर्म है, लगातार लगातार कहा गया भगवा आतंकवाद, कहा गया धर्म भगवा आतंकवाद, कहा गया हिंदू आतंकवाद, कहा गया हिंदू आतंकवाद शब्द गढ़ा गया, फायदा नहीं उठाया जाना चाहिए हिंदू आतंकवाद शब्द गढ़ा गया। ये सिर्फ राम के नाम पे ठगी नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ, जो आपने की है हो रही है राम के नाम पे, जो आपने की है ना, जो आपने की राम के नाम पे सिर्फ वोट बैंक की राजनीति नहीं होनी चाहिए, दलितों के राम पे नाम पे भी इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। जेनविन विकास कीजिए और चुनाव के समय सबका विकास का नारा, धार्मिक पर्यटन जो है ना रूप में चरितार्थ कीजिए, टूरिज्म जो है ना आपके साथ, ये काम आता नहीं है ना, काम आया है ना काम आएगा। डॉक्टर अजय उपाध्याय, मैं पहले भी आपको इसी बात को लेकर टोकी हूँ और अभी भी इसी बात को लेकर मैं फिर से टोकूंगी। जब आप लोग डिबेट में बात करते हैं तो डिफरेंट, चुनाव के वक्त अमित शाह जाए तो वो हिंदुवादी है, चुनाव के वक्त अगर राहुल गांधी जाए तो वो तो सेक्युलर है, वो तो सारे धर्मों में यकीन करने वाले हैं। ये अलग अलग चश्मा किसने का जाता है? आपने तो कहा कि हिंदुवादी पार्टी है, आपने कहा हमेशा पिछले 70 सालों से ये कहते आ रहे हैं ना, बताइए आप नहीं है ये कहते आ रहे हैं कि नहीं हिंदुवादी पार्टी है भाजपा, राइट विंग हिंदुवादी पार्टी है, आपने कहा हुआ है ना, आपने कहा कि भाजपा हिंदुवादी पार्टी है, आपने कहा हमेशा कहा ना, आपने कहा कि भाजपा आरएसएस हिंदुवादी है, इसमें क्या दिक्कत है? सभी धर्म को आपने कहा धर्म को राजनीति से अलग करो तो करो ना अलग, आपने कहा त्रिपुरा, अरे आपका तो 1% वोट नहीं आया त्रिपुरा में, आप क्यों त्रिपुरा की बात कर रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस आप पर आरोप लगाती है कि आप हिंदुवादी हैं, और आज आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी बेसिकली हिंदुत्व पर चुनाव नहीं लड़ती है। आप नीचे जी प्लीज मेक इट क्लियर। अरे वो आरएसएस के मेरे भाई से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आरएसएस हमेशा एक बात कहती है कि मंदिर वही बनाएंगे मगर डेट नहीं बताएंगे, डेट बता दीजिएगा, यहाँ के लोगों को भी पता चले कि आप सीरियस है राम के नाम पर, आप राम के नाम पर हमेशा झूठी राजनीति करते हो। अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया, आप ये तो नहीं कहेंगे फिर, आप ये तो नहीं कहेंगे ना डेट में अभी बताता सुप्रीम कोर्ट के, फिर आप ये तो नहीं कहेंगे सुप्रीम कोर्ट का सब जुड़ी से, तो आप कैसे डेट बता रहे हैं कि मंदिर वही बनाएंगे? ये दोहरी चाल नहीं चलेगी आपकी, अब ये आप कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, आप डेट कैसे बता रहे हैं? डेट मैं बताता हूँ, डेट मैं बताऊंगा, फिर आप ये सवाल तो नहीं करेंगे, आप सवाल तो नहीं करेंगे। बोलिए, आपने सवाल पूछा, मैं आपसे सवाल पूछा के मठ पहुंचे, फिर उसके बाद राम मंदिर तक पहुंच गए हम लोग, राम मंदिर तक पहुंच गए। सवाल सर, बात यही हो रही है, मालवे का यहाँ पर चीखती रहेगी कि किसानों पर सवाल करना है, किसानों पर सवाल करना है, सवाल हमारा है, नहीं और तनवीर अहमद खुद किसानों की बात करते करते मंदिर कब बनाएंगे पूछने लग गए, मंदिर कब बनाएंगे पूछने लग गए। गौरव भाटिया कुछ तो जवाब होगा दलितों को लेकर, जरा रिजवान साहब से कमिट तो करें कि उसके बाद कोई सवाल नहीं करेगा। कर्नाटका की जनता आज ये कह रही है, कर्नाटका की जनता त्रस्त है और सिद्धारमैया मस्त है। आज आप 5 साल पूरे कर रहे हैं, कांग्रेस ने अपने विकास का रिपोर्ट कार्ड क्या दिया? लोकायुक्ता को उसके ऑफिस में मार दिया जाता है, वहाँ पे किसान आत्महत्या कर रहे हैं, और सिद्धारमैया केवल चुनावी मुद्दे उतारे जिससे उन्हें चुनावी लाभ हो। उन्होंने कहा कर्नाटका का अलग झंडा होगा बांटने के लिए, उन्होंने कहा लिंगायत को माइनॉरिटी स्टेटस देंगे। सवाल आज ये है, 5 साल तक कहाँ पे रखा हुआ है, सो रहे थे किसके घर में है, चुनाव से कम महीने पहले कमीशन बनाते हैं, आपका क्या रहे पत्र में था 2014 और याद कीजिए 2019 आने वाला है, और सिद्धारमैया ने कहीं ना कहीं ये मान लिया कि लोकपाल भी लाइए, सरकार ने कोई विकास नहीं किया, तभी वो बाहर आके विकास की बात नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं ला रहे हैं? आपको रूबिका जी याद होगा गुजरात का चुनाव था, हम लोग गर्व से कहते थे कि वहाँ पे जो स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है
वो विकास दर 10% से ऊपर रही। कर्नाटका क्या ये बात कर सकता है? हम बताते थे कितने विद्यालय बनवाए गुजरात में, कितने मेडिकल कॉलेज आए हैं, अस्पताल आए हैं। ये लोग कभी बात करते हैं तो समाज को 40 लाख की गाड़ी पहन कर गुजरात मॉडल के बारे में मोदी जी ने खुद गुजरात चुनाव में बात नहीं की क्योंकि गुजरात मॉडल फेल हो चुका है। दूसरी बात लेकिन बीजेपी जी बात सुनिए, इसीलिए तो जीते हम। अरे कौन कहता है ये भैया, कौन कहता है कि जब सरकार, हम लोग विकास की बात करते थे और राहुल गांधी चुनावी हिंदू बन के मंदिर मंदिर घूम रहे थे। कहा गया चुनावी हिंदू, चुनावी मुस्लिम बन गया या चुनावी दलित बन गया? करप्शन में भी नंबर वन हो आप। अच्छा यूरोप जी जेल गए थे, मंत्री जेल गए थे, 17 मंत्री इनके करप्शन के आधार पर इस्तीफा दे चुके हैं। लोकायुक्त होता तो इनके भी कई मंत्री जेल में रहते। लोकायुक्त को बंद करके एसीबी को बना के सबको क्लीन चिट दे के अपने आप को क्लीन बना दिया। लोकपाल नरेंद्र मोदी जी, अरे यहाँ पर लोकायुक्त है उसका क्या दिया? मुख्यमंत्री रहे गुजरात के, लोकायुक्त नहीं बनाया मोदी जी ने। तो आप कह रहे हैं हम उनके मॉडल पर काम करेंगे? तो आप उनके मॉडल पर काम करेंगे? टीआर रामचंद्रन, टीआर रामचंद्रन सीनियर पत्रकार है सर, सीनियर पत्रकार है। वो अपनी कोई बात रखना चाहते हैं, फिर मैं जनता के बीच में आऊंगी, आप अपने सवाल तैयार रख सकते हैं। हाँ टीआर रामचंद्रन जी, देखिए ये कोई डिस्कशन तो नहीं हो रहा जिस तरीके से होना चाहिए। अगर हर पार्टी को सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है और जो चीज़ें वायदे किए जाते हैं वो तो पूरे किए नहीं जाते, आखिरकार वायदे करने का कोई फ़ायदा भी है कि नहीं? अब इस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। आखिरकार मेरे ख्याल में सबसे अहम मुद्दा उभर के ये आया आज की डिस्कशन पे कि आप किसी भी जाति के वोट नकार नहीं सकते। सबसे बड़ा वोट परसेंटेज आपके पास यहाँ दलितों का है हर राज्य में, तो आप क्या करेंगे? अगर आप उनको किसी ना किसी तरह अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करते तो आपका जीतना मुश्किल हो जाएगा। तो ओवरऑल एनालिसिस में अगर हम देखेंगे क्या वायदे कुछ मायने रखते हैं, इसका कोई जवाब दे। अच्छा अब मैं जनता के बीच में जाना चाहूंगी, जल्दी से अपने हाथ आप रेस कीजिए, एक एक करके छोटे शब्दों में आप छोटे सेंटेंसेस में अपनी बात रखिएगा। अपना नाम बताइए, सवाल किससे? मेरा नाम अमजद है, मालविका मैडम से। मैडम अच्छे दिन कब आएंगे? 15 लाख कब आएंगे? अच्छे दिन सब नजर आ रहे हैं, सब नजर आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं। आपस में लड़ाना, अच्छे दिन आपस में लड़ाना, ये अच्छे दिन है। आप लड़ा रहे हैं कांग्रेस वाले, हमें पूछते हैं। मैडम मेरा नाम शामीर अहमद है। नहीं मैं इसका उत्तर देना चाहता हूँ। गरीबों का जो भुगता, नहीं गरीबों का जो भुगता भुगत मिटाए 5 रुपए में। आप कांग्रेस के समर्थक हैं? सभी कांग्रेस के समर्थक हैं। मैं पीछे सवाल पूछ रही हूं रूबिका जी। टिल टुडे वी हैव सेंट अबाउट 8 letters रिगार्डिंग द मादा इशू, व्हाई प्राइम मिनिस्टर इज नॉट कॉलिंग सिंगल मीटिंग? आई जस्ट वांट द रिजल्ट फॉर दैट वन। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सब मठों और मंदिरों की राजनीति हो रही है तो क्यों नहीं जेडीएस और बीजेपी कुछ विकास की बात करे कि भाई हम कांग्रेस के अलावा क्या कर सकते हैं? जो कांग्रेस ने नहीं किया वो हम ये करने वाले हैं, इसलिए हमको वोट दीजिए। मतलब सब मिलके पॉलिटिक्स क्यों नहीं कर सकते? मुद्दा बदलो आप पहले। सब मिलके पॉलिटिक्स क्यों नहीं करते? मैं ये दोनों नेशनल पार्टी से क्वेश्चन करना चाहता हूँ। बैंगलोर में जो मुस्लिम और हिंदू ये जो बिना मतलब जो कार्यकर्ता की जो डेथ हो रही है इसके रेस्पॉन्सिबल कौन है? ये क्यों कर रही है? जो डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं ना, जो हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करके जो बैंगलोर में कर रहे हैं, इसका कौन रेस्पॉन्सिबल? गौरव भाटिया वहां से कुछ जवाब देना चाहते हैं और उसके बाद मैं आऊंगी सर आप लोगों के बीच में। एक महिला है, पहले मैं उनसे बात कर लेती हूँ, उसके बाद मैम आपका कोई सवाल नहीं है? महिलाओं को मैं कभी भी नहीं बगैर कुछ कहे जाने देती। Actually, I don't want to ask anything. No, you should ask. You must ask. No, I just won't ask. No, it's okay. Okay, next time she's going to ask. आप कोई सवाल पूछना चाहती हैं? हाँ. Triple तलाक मैं पूछूं? Triple तलाक, रिजवान जी, जवाब दीजिएगा. क्या है आपका राय? जी, मेरा नाम विजय लक्ष्मी है. दलितों का वोट चाहिए आपको, दलित नहीं चाहिए क्या? दलितों का वोट चाहिए, दलित नहीं चाहिए, बहुत बड़ा सवाल। इसी से शुरुआत हुई थी हमारे शो की। बहुत शानदार सवाल, बहुत बढ़िया, इनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए।
दलितों का वोट तो चाहिए मालविका जी, तनवीर साहब, रिजवान साहब, गौरव भाटिया, डॉक्टर उपाध्याय, सवाल आप सबके लिए। गौरव भाटिया, वोट चाहिए, दलित नहीं चाहिए? बिल्कुल, हम तो ये कहेंगे कि दलित आपके लिए हमारे सम्मानित भाई हैं और उनके लिए प्रधानमंत्री प्रतिबद्ध हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री और बीजेपी सरकार प्रतिबद्ध है। आज एक अभी सम्मानित दर्शक पूछ रहे थे अच्छे दिन कब आएंगे, तो मैं उनको केवल ये बता दूं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो सुबह उठते थे तो न्यूज़पेपर में होता था कोलगेट CWG 2G हो गया, अब उठते हैं तो पता चलता है मुद्रा योजना से 3.5 करोड़ महिलाओं को गैस के सिलेंडर मिल रहे हैं। तीन मोदी भाग गए, भी देखता हूं रोज, मुद्रा रोज देखता हूं, नीरव मोदी, मिल रहे हैं, ललित मोदी, भ्रष्टाचार खत्म हो गया, बैंकों की स्थिति, बैंकों में लूट, जगत पे हमारी हिंसाएं, कर्नाटका में दलितों पर अत्याचार, आप देखेंगे ये रोज देखते हैं हम लोग, ये रोज देख रहे हैं अखबारों में, आज का अखबार शायद आपने देखा नहीं, देश में कितनी हिंसाएं हुई है, ये किसकी पॉलिसी है? दलितों का, दलित नहीं, दलितों का विकास चाहिए हम सबको और इसमें सभी को चाहिए, सभी पार्टियों को एक साथ आना चाहिए। दूसरी चीजें आती है, रिजवान आपको कह रहे हैं, हाँ ठीक है सर, एक सेकेंड रिजवान, आप अखबार खोलते हैं तो क्या नजर आता है? नीरव मोदी जी भाग गए 21,000 करोड़ लेके, ललित मोदी जी भाग गए, विजय माल्या जी भाग गए, और क्या नजर आता है बताइए? चंदा कोचर अपने हस्बैंड के कंपनी को मदद कर रही है 3,000 करोड़, नहीं सोनिया गांधी और राहुल गांधी बेल पे बाहर है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी बेल पे बाहर है, नीरव मोदी की पार्टी में राहुल गांधी बाहर है, जवाब आप दीजिए, एनपीए का घोटाला कांग्रेस की सरकार में हुआ, बाहर है वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और यही फर्क है, आपने चोरों का साथ दिया, चोरों को अंदर करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कुछ आपके पास है तो आप सबको अंदर डालिए, किसने गलत किया अंदर डालिए, 1,00,000 पिंजरे का, पिंजरे का तोता कहां गया, सीबीआई को किसने बना दिया था, कांग्रेस ने बना दिया था भाई साहब, कांग्रेस की सरकार अपनी बातें रखिए, एक एक मिनट में तनवीर अहमद और मालविका अविनाश। मैं देखिए, हम अगेन, मैं आई वुड लाइक टू टेल यू दैट वी आर अ स्मॉल रीजनल पार्टी, कर्नाटक के लिए आपका नाम अच्छा है कि कर्नाटका पॉलिटिकली, कर्नाटक के अंदर कन्नड़िगा ही बड़ा आदमी है, कन्नड़िगा की ही सरकार होगी, और कुमार स्वामी से बड़ा कन्नड़िगा इस वक्त कोई और नहीं है, हमने आपके डिस्टर्ब नहीं किया, अगर चाहते तो हम भी इनसे ज्यादा लोग लेकर आते थे, हमको ये लोग नहीं चाहिए, हम एक बात कहना चाहते हैं कि यहाँ पर 3,000 परिवार के लोग उजड़ गए, 3,000 परिवार सुसाइड कर लिए, और ये लोग अभी भी सिद्धरामैया के लिए ताली बजा रहे हैं, शर्म आती है मुझे, अरे गंभीर लोगों के पास नौकरी नहीं है, लोगों के पास नौकरी नहीं है, जनता दल बीजेपी के अलायंस पार्टनर की मदद करोगे सर, सर बीजेपी की, सर एक बात बोलो, रेड्डी ब्रदर्स को जेल भेजने वाले हम थे, आपके सिद्धरामैया नहीं थे, रेड्डी ब्रदर्स को कर्नाटक की हम दोनों की बी टीम नहीं है, कन्नड़िगा और मालविका, मालविका आप ए टीम है, बी टीम है, सी टीम है, कोई किसी का बी टीम नहीं है यहाँ पे, तो जनता दल से आपका कुछ नहीं है, अरे सर हमारा आपके साथ भी नहीं है, हमको चाहिए नहीं आपके साथ, आपके साथ चाहिए नहीं, आप जैसे भ्रष्ट लोग, हमें नहीं चाहिए, आपका साथ नहीं चाहिए, पता लगा हंग असेंबली, पता लगा साथ लेने गए, आप अपनी बात में फिर अड़िग रहेंगे कि नहीं रहेंगे? मालविका 20 seconds to you, I have to wind up, I have to wind up, I have to wind up, से भी जाने वाले हैं, ओके सर, कर्नाटक से भी बाहर जाने वाली है, सर मुझे ब्रेक लेना है, और आपने एक लेडी को बात अपनी रखनी नहीं की, आखिरकार वो ये कहती रहेगी कि मुझे अपनी बात रखनी है,
लेकिन कर्नाटका एक मिनट मुझे अपनी भी बात बोलने दीजिए सब प्लीज 10 सेकंड मैं जानती हूँ आप सब रिजवान के लोग हैं एक 10 मिनट चुप रहिए मालविका मालविका 10 सेकंड मैं ऐसे शो नहीं कर सकती ना मालविका 10 सेकंड आप बोल दीजिए 10 सेकंड All right. नहीं नहीं सर एक सेकंड ऐसे ऐसे नहीं होता है ना सर आप लोगों को पूरा देश देख रहा है ये छोटा सा कंपाउंड नहीं है जहां हम लोग बहस कर रहे हैं पूरा देश आपको इस वक्त देख रहा है आप कर्नाटका की क्या मिसाल पेश करते हैं वो देश आपको देखेगा इसीलिए बिल्कुल अच्छे हिंदुस्तानी इसी पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं लेकिन फिर याद दिला दूं कर्नाटका पॉलिटिकल लीग में हर रोज हर तरीके से पॉलिटिक्स की खबर हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे कोई ऐसी खबर नहीं होगी जो मिस होगी फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया